हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम एफ द अल्टीमेट जी का सोल्यूशन। तो दोस्तों, जो 25 अगस्त फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन आया है आरआरसी ग्रुप डी में, तो दोस्तों वो आज हम यहाँ पर देख लेंगे। जीके और जीएस के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये 100% रियल है, ये स्टूडेंट्स के पास से मैंने कलेक्ट किया है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों सब लैंग्वेज में जो है आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और दोस्तों, इसका अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एग्जाम एफ को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। पर और दोस्तों, हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम एवरीडे द अल्टीमेट जीके सॉल्यूशन, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आपको इस तरह का जो है और भी वीडियो मिलता रहेगा। और दोस्तों, इस बेल आइकन को तो भी दबा देना, ताकि जो है आपको लेटेस्ट वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं 25 अगस्त फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट, यानी तीनों शिफ्ट का जो है पूरा का पूरा एनालिसिस किस तरह का है। तो चलिए देखते हैं। तो दिगंबर इज रिलेटेड टू, दिगंबर किससे संबंधित है? तो दिगंबर जैनिज्म जो रिलीजन है तो उससे संबंधित है। तो जैन से आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट्स। तो जैन क्या होता है, जैन धर्म में तो वहाँ पर आपको दोनों सेक्ट मिल जाएगा। वहाँ पर एक है दिगंबर मीनिंग स्काई क्लैट, एंड दूसरा है आपका सितंबर मीनिंग व्हाइट क्लैट। ठीक है, तो जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय लॉर्ड महावीर। तो लॉर्ड महावीर के द्वारा आपका जैनिज्म फाउंड किया गया था। तो ही वाज 24th जैन तीर्थंकर। ही वॉज ऑल्सो नोन एज वर्धमाना। ठीक है, और ये जो दिगंबर रहता है, ये दिगंबर का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, उसका मीनिंग होता है आपका नेकेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था कुछ दोस्तों, व्हिच टिश्यू इन प्लांट्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए कैरिंग न्यूट्रिएंट्स। तो पौधे में कौन सा वो उत्सक, वो जो आपका जो टिश्यू है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को जो पौधे के चारों शरीर में पहुंचा देता है। तो उसका काम करता है आपका फ्लोएम। तो फूड मटेरियल्स फ्रॉम लीव्स टू अनदर पार्ट ऑफ प्लांट। तो ट्रांसफ़र करता है क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसफ़र करता है। तो फ्लोएम फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्लीबिटी। तो फ्रेम क्या करता है, जो पेड़ का जो बॉडी होता है उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर द पैरेन्काइमा ऑफ फ्लोएम स्टोर्स वाटर कार्बोहाइड्रेट एंड अदर प्रोटीन्स। जो फ्लोएम के अंदर जो ऐसी पैरेन्काइमा सेल रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है आपका वाटर एंड कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। तो और जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, जाइलम एक ही दिशा में आपका काम करता है, फ्लोएम दोनों दिशा में ही आपको काम करते हुए दिखेगा, ऊपर और नीचे दोनों दिशा में आपको काम करेगा। जाइलम क्या करता है, इसके केवल जो रूट है, रूट से पानी को लेकर लीफ तक पहुंचाता है। मगर फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम लीफ से सारे पोषक तत्व वो पेड़ के सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है, ऊपर नीचे दोनों दिशा में फ्लोएम काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों इस तरह, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोजोम। तो राइबोजोम का काम क्या है, तो राइबोजोम क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टेड बाय राइबोजोम। राइबोजोम प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ट्रिप्सिन इज द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो राइबोजोम में मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, वेयर विल द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी बी हेल्ड इन 2023। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का कब होगा, 2023 में कौन सी सिटी में होगा, वो हो जाएगा आपका मुंबई में, और होगा आपका मुंबई का जियो कॉन्वेंशन जो सेंटर है वहाँ पर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, विच पैरा एथलीट वॉज ऑनर्ड विद द फर्स्ट पद्म भूषण अवार्ड इन द ईयर 2022। तो 2022 में जो पैरा एथलीट है उसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उसका नाम हो जाएगा आपका देवेंद्र झाझरिया। वो क्या करता है, जेवलिन थ्रो करता है। द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव खेल रत्न, ऑल्सो ओन गोल्ड इन 2004 एंड 2016 ओलंपिक एंड सिल्वर मेडल इन 2021 ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, AIADMK इज ए रीजनल पार्टी ऑफ व्हिच स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु का रीजनल पार्टी है AIADMK। ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1972 में। हेडक्वार्टर है आपका चेन्नई में, और फाउंडर है आपका MG रामचंद्रन। ये इसका फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं दोस्तों, इन व्हिच स्टेट नेस्ले कंपनी ओपेंड इट्स फर्स्ट यूनिट। तो नेस्ले कंपनी किस राज्यों में
आपने जो कंपनी है वो पहली बार खोला था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1956। द कंपनी सेट अप देयर फर्स्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी इन द ईयर 1961 एट मोगा इन पंजाब। ठीक है, इन द ईयर 1967 दे सेट अप द देयर सेकेंड प्लांट इन द चोला दी इन तमिलनाडु। तो जो वहाँ पर आप देख पाओगे वहाँ पर तमिलनाडु भी ऑप्शन था, तो कोई किसी कोई बच्चे बोल रहे थे कि तमिलनाडु सही है, मगर तमिलनाडु नहीं होगा, वो होगा आपका पंजाब। तमिलनाडु में सेकंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इन हुइच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर बंगाल टाइगर्स फाउंड। जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर होता है तो वो कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट में। तो मोस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट अच्छा आपको मिलेगा आपका इंडिया में वेस्ट बंगाल में। द बंगाल टाइगर जिसका आपका साइंटिफिक नाम देखने को मिलेगा पांथरिया पैंथीरा टाइग्रिस टाइग्रिस आर यूनिक टू ऑल यूनिक टू इंडिया एंड बांग्लादेश। दे आर यूजुअली फाउंड इन मैनग्रोव फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, इन हुइच आर्टिकल इज द प्रोविजन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 324 to 329 और पार्ट होगा आपका 15। तो ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आपका 25 जनवरी 1950 को। तो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर था वो था आपका सुकुमार सेन, और जो फर्स्ट फीमेल इलेक्शन कमिश्नर था वो था आपका वी एस रामदेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, कालबैसाखी जो झाड़ होता है तो वो कौन सी स्टेट में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में होता है। तो ये कैसा स्टॉर्म है, ये एक वायलेंट थंडर स्टॉर्म इन द गैंजेटिक प्लेन्स और ऑफ इंडिया आर लोकली नोन एज कालबैसाखी और नॉर्वेस्टर स्टॉर्म। ठीक है, दीज लोकलाइज्ड इवेंट्स आर जेनरली एसोसिएटेड विद द थंडर स्टॉर्म एकॉम्पेनिड बाई स्टॉर्म सिक्वेली विंड्स एंड टोरेंशियल रेनफॉल। तो तेज़ बारिश होता है और तेज़ क्या होता है आपका हवा बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। तो हॉर्नबिल फेस्ट त्यौहार जो किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागालैंड। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन जो आपका दिसंबर महीना होता है वहाँ का 1 से 10 तारीख तक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 3 new words सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी वायर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस संविधान के संशोधन द्वारा नए जो 3 जो शब्द है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एंड अखंडता ये को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो 42nd amendment 1976 हुआ था तो उसमें ऐड किया गया था, और इसे बोला जाता है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाती है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो जो 3 new words है सोशलिस्ट सेक्युलर एंड जो इंटीग्रिटी है सारे शब्द है इस तब ऐड किया गया था प्रीएम्बल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था दोस्तों, विथ हुइच कंट्री डिड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफ 695 megawatt कैपेसिटी इन मे 2022। तो 2022 के मई महीने में भारत ने किस देश के साथ 695 megawatt का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो साइन किया है, उसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल में। द वरुण 4 project विल बी जॉइंटली बिल्ट ऑन द वरुण रिवर इन नेपाल से ईस्ट बाई इंडिया से सुतलेज जल विद्युत निगम SJVN लिमिटेड एंड नेपाल से स्टेट ओन्ड नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी के ऊपर होगा, होगा आपका अरुण रिवर के ऊपर। किसके द्वारा बनाया जाएगा, इंडिया सुतलेज जल विद्युत निगम लिमिटेड और नेपाल का जो स्टेट इलेक्ट्रिक अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, क्या कौन सा आया था वो तो ठीक से नहीं बोल पाया किसी ने, दोनों ही भेजा था कि मिस वर्ल्ड 2022 कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैरोलिना ब्लिवास का, और मिस यूनिवर्स 2021 का कौन था वो होगा आपका हरनाज सिंधु। जो सही होगा
वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आया था दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, तो नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हिच लैंग्वेज इज स्पोकन इन बांग्लादेश एंड श्रीलंका, तो किस किस बच्चे ने बोल रहे थे कि सिंगापुर भी सिंगापुर के लैंग्वेज बोला था, तो सिंगापुर का लैंग्वेज मैं बाद में बता दूंगा। तो बांग्लादेश में बोला जाता है आपका बंगाली, और श्रीलंका में सिंघला और तमिल, ठीक है, सिंघला तमिल, और जो सिंगापुर वाला है वहाँ पर आपका मलयालम बोला जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हाट ऑर्गेनिक मैटर इज मेड फ्रॉम डेड प्लांट्स, तो मृत पौधा से कौन सा कार्बनिक पदार्थ बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोल। तो टाइम टाइम के तो लाखों वर्ष के जो मिट्टी के नीचे जो दब जाते हैं जो पेड़ पौधा, तो वो प्रेशर और हीट की वजह से क्या होता है, जो कोल के आकार ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच एंजाइम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, तो फैट्स को पचाने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हिच सेल हेल ऑर्गेनेल स्टोर्स वेस्ट मटेरियल इन द सेल, तो कौन सा कोशिकांग है जो आपका जो वेस्ट मटेरियल सेल का है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे जमा करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका लाइसोजोम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक न्यूमेरिकल से आया था आपका लेंस से, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ तारपिन ऑयल इज 1.47 एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.52, व्हाट इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विथ रेस्पेक्टिव ग्लास, तो यहाँ पर देख लो आपका जो फॉर्मूला है NgO हो जाएगा आपका ग्लास, और ऑयल से होगा ये एन ऑयल, तो रिफ्रैक्टिव पे जो आपका इंडेक्स है वो आपका ऑयल बाई ग्लास हो जाएगा, तो 1.47 डिवाइडेड बाई 1.52, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.96। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो वहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिया गया था, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो बोल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन था वो तो ठीक से मालूम नहीं पड़ा, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, इसे कॉम्बाइंड होकर क्या करता है, यहाँ पर MgO होगा, ठीक है, यहाँ का MgO होगा, और क्लोरीन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है आपका HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ द हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिली का कौन सा एलिमेंट है, तो हेलोजन फैमिली का सारा जो एलिमेंट रहता है तो वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फिर है आपका एस्टाटिन और है टेनेंसियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हाट इज अचीव्ड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन के वजह से क्या होता है, तो क्या बनता है, तो एल्केन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो CH3CH2OH यानी इथानॉल है, इथानॉल के डिहाइड्रेशन के वजह से यहाँ पर क्या होता है दोस्तों आपका C2H4 इथेन बनता है, और क्या होता है H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हिच वन हैज मोर वैलेंसी अमंग लिथियम सोडियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, तो लिथियम सोडियम मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से किसके वैलेंसी नंबर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एल्यूमिनियम का यहाँ पर आप देख सकते हैं एटोमिक नंबर है आपका 13, तो 13 अगर एटोमिक नंबर रहे तो आपका यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन रहेगा आपका 2 रहेगा, उसके बाद रहेगा आपका 8, फिर रहेगा आपका 3, ठीक है। और जो ऑप्शन था आपका लिथियम, लिथियम का अंत लिथियम देख सकते हो 3 है, तो यहाँ पर आपका वैलेंसी क्या होगा 1, फिर है सोडियम, सोडियम का भी वैलेंसी क्या है 11, तो यहाँ पर आपका वैलेंसी रहेगा 1, फिर है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है 12, तो यहाँ पर आपका वैलेंसी रहेगा 2, और एल्यूमिनियम का है यहाँ पर 3, तो 3 हो गया आपका सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट, तो नीचे दिए गए एक हीट का जो फार्मूला दिया गया था आपका जूल का जो फर्स्ट लॉ है, तो उसका जो हीट का जो फार्मूला दिया गया था उसमें से कौन सा सही था, तो ये उसका आंसर हो जाएगा आपका H इज इक्वल टू I² RT।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, इफ़ थ्री रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अगर 9 ओम का तीनों जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आपका, पैरेलल कनेक्ट है, ठीक है, पैरेलल कनेक्ट है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 करके ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/9 + 1/9 + 1/9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3/9, तो 3/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आर इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3 ओम, तो 3 ओम हो जाएगा आपका यहाँ का आंसर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका कैपिटल जी, तो उसका मान क्या है। तो यहाँ पर उसका मान हो जाएगा आपका 6.67 × 10⁻¹¹। यहाँ पर ये 2 की पावर होगा, ठीक है, 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स मास m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस r, तो वहाँ पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, तो फोर्स दोनों वस्तु के बीच जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा आपका, F इजिकल टू कैपिटल जी इंटू m1 × m2 बाई आर स्क्वायर। फिर हो जाएगा आपका जी, कैपिटल जी इजिकल टू एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो द जी का मान क्या दिया गया है, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का यानी प्रतिरोधांक जो होता है तो उसका मान क्या है, तो उसका मान हो जाएगा आपका ओम मीटर, उसका यूनिट का मान हो जाएगा आपका ओम मीटर। तो वो कैसे आया है, वी नो द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आर इंटू एरिया बाय लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, ठीक है। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल, जहाँ पर ए हो जाएगा आपका एरिया, एल हो जाएगा आपका लेंथ और आर हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो एसआई यूनिट में क्या होगा, एसआई यूनिट में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर होगा रो इज इक्वल टू ओम, तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या होता है ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट रिलेटेड टू बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के बारे में क्या सही और क्या गलत यही कुछ आया था। तो बेकिंग सोडा का जो आपका जो फॉर्मूला है वो होता है आपका केमिकल नेम होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट और फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट विल बी द चेंज इन pH वैल्यू ऑन हीटिंग ए सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन को गर्म किया जाए तो वहाँ पर उसका pH वैल्यू का क्या होता है। तो pH वैल्यू क्या होता है दोस्तों, आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो जितना आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो pH वैल्यू गिरते जाएगा। तो pH ऑफ ए वाटर एट 0°C इज 7.47, बट एट 100°C द सेम वाटर विल बी 6.14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हिच वन इज करेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट टू मैग्नीशियम गोल्ड एंड सिल्वर, व्हिच वन विल बी रिमूव Cu। तो यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, तो इसके जो ये मैग्नीशियम गोल्ड और जो सिल्वर दिया गया है, इससे किसके मदद से एक जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन संभव है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम के मदद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ग्राफाइट को, ठीक है। द लेयर ऑफ, तो क्यों यूज किया जाता है ग्राफाइट को, द लेयर ऑफ ग्राफाइट आर हेल्ड टुगेदर बाय ए वीक फोर्स, द फोर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ आइदर लेयर्स, ठीक है। सिंस दिस फोर्स कैन बी ब्रोकन इजीली, द लेयर्स स्लाइड्स ऑन वन अनदर ड्यू टू दिस स्लिपरी प्रॉपर्टी, ग्राफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट। तो ग्राफाइट क्या होता है, ग्राफाइट का लेयर जो होता है वो ज़्यादा जल्दी से ब्रेक हो जाता है, तो और इसीलिए वो उसमें कहते हैं जो स्लिपरी प्रॉपर्टी आ जाता है, तो इसीलिए ग्राफाइट को ज़्यादा लुब्रिकेंट
की मदद के लिए यूज किया जाता है। तो ग्राफाइट का यूज देख लेते हैं, जो हाई टेम्परेचर लुब्रिकेंट हिसाब से व्यवहार होता है। नेक्स्ट है ब्रशेस फॉर इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड फ्रिक्शन मटेरियल्स। ग्राफाइट इज ऑल्सो यूज इन पेंसिल स्टील मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग लुब्रिकेट गैसकेट्स गैसकेट्स कौन फिर आपका कॉन्वेयर बेल्ट ट्रांसफर बेल्ट ये सारे चीज़ में ग्राफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एटोमी व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन ए होमोलोगस सीरीज। तो वहाँ पर एक होमोलोगस जो सीरीज होता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन और जो कार्बन रहता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन का कितना एटोमिक जो नंबर होता है वो कितना डिफरेंस है वो वहाँ पर हो जाएगा आपका 2 नंबर 2। और वो कितना डिफरेंस होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी CH2। तो यहाँ पर देख सकते हो 2 कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस डिफर बाय 1 कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड्स आर देयर इन ए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितना ग्रुप और कितना जो आपका पीरियड है, तो वहाँ पर आपके लिए 18 ग्रुप है और 8 पीरियड्स हैं, ठीक है। और मेंडलीव में 8 ग्रुप और जो आपका 6 पीरियड था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग डोवर्नियर स्टिपल लॉ। तो वहाँ पर कुछ जो ऑप्शन दिया गया था वो तो नहीं मिल पाया, तो स्टूडेंट्स ने बोला कि डोवर्नियर के ट्रिपल लॉ से क्वेश्चन आया था। तो डोवर्नियर का ट्रिपल लॉ क्या था, द एवरेज मास ऑफ द एटोमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट द थ्री एलिमेंट ऑफ द थ्री एलिमेंट्स इज इक्वल टू द एटोमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। तो यानी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अगर कोई 3 एलिमेंट है तो लास्ट वाला और फर्स्ट वाला का जो मास है उसका जो सम है, सम करके अगर वहाँ से एवरेज निकाले तो बीच वाला का वही एवरेज होगा उसका एटॉमिक मास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, हाउ डज एमीबा ईट फूड। तो एमीबा कैसे अपने खाद्य ग्रहण करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सेल मेम्ब्रेन एंडो साइटोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तो ऐसे अगर एमीबा के सामने अगर ऐसा कुछ फूड पार्टिकल्स अगर रहे तो एमीबा धीरे 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 उसके चारों तरफ से ऐसी घिर के वहाँ पर जो एक वैक्यूल क्रिएट करता है, यहाँ पर जो फूड वैक्यूल क्रिएट करता है, तो फूड वैक्यूल क्रिएट करने के बाद उसे अपने बॉडी के अंदर सेल के अंदर ढुका लेता है, ठीक है। तो ऐसा करके बोलो वो क्या करता है, जो सेल मेम्ब्रेन एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की मदद से वो एमीबा फूड लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ अद्वैतीय फिलोसॉफी, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड के ऊपर कुछ शायद 4 वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था, तो उसका कौन सा स्टेटमेंट सही था ये बताना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट्स नहीं आया, तो पेस्टिसाइड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड पॉइजन देयर इज ए रिक्स ऑफ पॉल्यूशन लॉस ऑफ फ्रेंडली इंसेक्ट फिजिकल हेल्थ, देयर फॉर सम प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, इन व्हिच स्टेट द लॉन्गेस्ट मुस्टाक फेयर इज हेल्ड। जो सबसे लंबी मूछों वाला मेला किस राज्य में होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान का पुष्कर मेला में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच हैज द लोएस्ट कॉस्ट ऑफ द फार्मर। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया था, जैसे कि आपको यहाँ पर फर्टिलाइजर सीड पेस्टिसाइड और एनिमल फीड। तो इसमें से सबसे लोएस्ट कॉस्ट तो एनिमल फीड ही लगता है, तो आप नीचे कमेंट करके बोलो कि आपका आपके लिए ऑप्शन कौन सा सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, ऑन व्हिच रिवर सरदार सरोवर डैम बिल्ट, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी के ऊपर है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा, और ये है आपका गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, आर्टिकल 243B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243B किस से संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, जहाँ पर पॉपुलेशन होगा आपका 20 लाख से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हिच स्टेट टॉप्स द इंस्टॉल्ड विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी, तो किस राज्य में सबसे ज़्यादा विंड जो एनर्जी होता है उसमें पावर प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु, नेक्स्ट है आपका गुजरात, फिर है आपका थर्ड है महाराष्ट्र, और अगर वर्ल्ड में पूछे तो सबसे ज़्यादा होता है चीन में, उसके बाद होता है आपका USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, रोवर्स कप इज ए टूर्नामेंट रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, तो रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल, इट इज बिगिनिंग इन द ईयर 1890 इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हाट वाज द थीम ऑफ द फिनेंशियल लिटरेसी वीक 2022, तो 2022 का फिनेंशियल लिटरेसी वीक का थीम क्या था, तो गो डिजिटल गो सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हेयर वाज इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कमीशन इन अप्रैल 2022, तो 2022 के अप्रैल महीने में भारत का पहला जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ पर कमीशन हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका जोरहाट आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों, व्हेन इज नेशनल माइनॉरिटीज डे सेलिब्रेटेड, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 18 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, विथ होम डिड जियो टाई अप टू एक्सेलरेट रिसर्च इन 6G, तो जियो ने 6G के संबंध में रिसर्च करने के लिए किसके साथ टाई अप किया है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों, व्हेन इज इंडियन वुमेन्स डे सेलिब्रेटेड, तो इंडियन वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 13 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया था, हु वाज गिवेन द मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 2021 इन रेसलिंग, तो रेसलिंग में मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया है 2021 का, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका सज्जन सिंह। तो देखिए आज के थर्ड शिफ्ट में जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह का दिया गया है दोस्तों कि हु फाउंडेड द स्वराज पार्टी विथ मोतीलाल नेहरू, यानी दोस्तों जो है मोतीलाल नेहरू को जो है साथ लेके किसने जो है यहाँ पर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, तो दोस्तों ये देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा चित्तरंजन दास। तो दोस्तों ये जो फाउंडेशन है ये हुआ था दोस्तों 1923 में, 1 जनवरी 1923 में। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु वॉज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अंटिल 2022, यानी दोस्तों जो है 2000 मार्च 2022 तक जो है यहाँ पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसका जो है अध्यक्ष कौन था, तो दोस्तों उसका अध्यक्ष था यहाँ पर नरेंद्र बत्रा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका जो है यहाँ पर प्रेजेंट जो अभी प्रेसिडेंट है वो दोस्तों यहाँ पर अनिल खन्ना है, जो एक्टिंग यानी दोस्तों अभी जो है ये एक्टिंग के तौर पर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था इस यहाँ पर वो दोस्तों 1927 में हुआ था, ये भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों जो है क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, इन व्हिच स्टेट इज द गोम्पा मठ लोकेटेड, यानी दोस्तों जो है ये गोम्पा मठ जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है, जो गोम्पा टेम्पल है वो दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और दोस्तों ये जो हेमिस गोम्पा फेयर होता है यानी दोस्तों जो मेला होता है वो लद्दाख में होता है, ये भी आपके लिए जानना यहाँ पर जरूरी है। नेक्स्ट दिया गया था देखिए आज के थर्ड शिफ्ट में जो है दोस्तों, व्हाट इज आर्टिकल 21 रिलेटेड टू, यानी दोस्तों जो है ये आर्टिकल 21 जो है ये किस से रिलेटेड है, तो दोस्तों ये रिलेटेड है फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी दोस्तों जो है 14 साल के एज तक जो है चिल्ड्रेन के जो है दोस्तों फ्री और कंपलसरी एजुकेशन के लिए रिलेटेड है, और दोस्तों ये जो है यहाँ पर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को पे में जो है ऐड किया गया था। और दोस्तों बता दूँ ये जो क्वेश्चन है ये पहले भी शायद 2 शिफ्ट में आ गया है, तो दोस्तों इस तरह से जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। और दोस्तों बता दूँ कि आज का जो ये शिफ्ट है ये दोस्तों 25 अगस्त का ये जो थर्ड शिफ्ट है ये दोस्तों इस फर्स्ट से फेज का जो है यहाँ पर आखिरी शिफ्ट है, तो दोस्तों नेक्स्ट जो सेकंड फेज का जो एग्जाम होने वाला है कल से उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है, व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, यानी दोस्तों जो है जल दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये मनाया जाता है मार्च 22 को, यानी दोस्तों जो है 22 मार्च को ये मनाया जाता है, और दोस्तों वर्ल्ड अर्थ डे जो होता है वो दोस्तों यहाँ पर 22 अप्रैल को मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है दोस्तों 22 मई को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या
दिया गया है। अकॉर्डिंग टू CMEI डाटा इन 2022 अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द हाइस्ट इन हुई स्टेट, यानी दोस्तों जो है 2022 का जो डाटा है CMEI का, IAI का, तो उसके मुताबिक जो है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट यानी दोस्तों बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो दोस्तों ये है हरियाणा स्टेट में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये सबसे कम है यहाँ पर दोस्तों तेलंगाना स्टेट में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हेयर वाज द अल्टीमेट स्पीड सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल इन फेब्रुआरी 2022, यानी दोस्तों जो है एक सुपर कंप्यूटर जो फेब्रुआरी 2022 को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, उसे दोस्तों यहाँ पर कहाँ इंस्टॉल किया गया था, तो दोस्तों इसे इंस्टॉल किया गया था IISC बेंगलोर में। और दोस्तों इसके रिलेटेड दोस्तों जो है आपको ये भी जानना जरूरी है, ये जो परम गंगा है ये दोस्तों IIT रुड़की का है, और दोस्तों जो परम संगदक है ये IIT कानपुर का है, और दोस्तों परम शक्ति जो है ये IIT खड़गपुर का है, और परम सिद्धि जो है ये CDEC का है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, इन व्हिच स्टेट इज़ द वैली ऑफ कुल्लू एंड कांगड़ा, यानी दोस्तों जो है ये वैली ऑफ जो है दोस्तों कुल्लू और कागरा ये किस स्टेट में है, तो दोस्तों ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, ग्रेट हिमालय में। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हेन इज द इलेक्शन ऑफ द वार्ड मेंबर फेल्ड, यानी दोस्तों जो है वार्ड मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो कब होता है या फिर कितने वर्ष के बाद ये होता है, तो दोस्तों ये होता है 5 ईयर्स के बाद। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो होता है ये 243E के मुताबिक होता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर टेनर ऑफ पंचायत के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन, इन व्हिच स्टेट पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड, यानी दोस्तों किस स्टेट में जो है यहाँ पर पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है तमिलनाडु में, तो दोस्तों ये जो है एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, और दोस्तों ये डेडिकेटेड होता है टू द सन गॉड एंड कुम्मी डांस इज परफॉर्म्ड, यानी दोस्तों इसमें जो है ये कुम्मी डांस किया जाता है और ये दोस्तों जो है सन और गॉड को डेडिकेट किया जाता है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये शायद अभी तक 4 या फिर 5 शिफ्ट में ये शायद अभी तक आ गया है, तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों पिछले ही शिफ्ट में जो है ये कुम्मी डांस यानी दोस्तों जो 24 अगस्त के एक शिफ्ट में शायद ये कुम्मी डांस आया था, और फिर एक शिफ्ट में ये सानगढ़ के बारे में आया था, और दोस्तों बता दूं कि ये जो पोंगल फेस्टिवल है ये शायद हर एक शिफ्ट में ज़्यादातर शिफ्ट में भी आप में ही आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का दिया गया है, बाय हुम इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, यानी दोस्तों ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो केंद्र शासित जो प्रदेशों का जो यहाँ पर प्रशासन बनता है वो किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों ये होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये दोस्तों आर्टिकल 239 में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन, ए कॉन्डक्टर व्हिच इज कॉन्डक्ट कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट बैटरी एंड द करेंट इज 5 एम्पीयर, तो इसमें जो है यहाँ पर देन व्हाट विल बी द पावर, यानी दोस्तों यहाँ पर पावर के बारे में पूछा गया है, इसका दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, पावर इक्वल टू दोस्तों जो है वोल्टेज इनटू एम्पियर होता है, यानी दोस्तों जो है यहाँ पर आई होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि ये जो 1100 वाट का ये पावर बनेगा, और दोस्तों जिसे यहाँ पर आप एक साथ जो है 1.1 किलोवाट का कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी दोस्तों जो है कौन सा जो है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया गया है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन था वो मुझे नहीं मिला है, तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने दिया है ये इसके रिलेटेड कुछ डिटेल्स दे दिया है, जहाँ पर दोस्तों कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये इस तरह का होता है दोस्तों, 2 Mg मिलकर और O2 मिलकर जो है यहाँ पर 2 MgO, और दोस्तों C और O2 मिलकर जो है CO2, और दोस्तों 2 H2 और दोस्तों क्लोरिन मिलकर जो है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ये दोस्तों होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट इज द हीटर कॉयल मेड ऑफ, यानी दोस्तों जो हीटर कॉयल होता है वो किससे बनता है, तो दोस्तों वो बनता है नाइक्रोम से, और दोस्तों ये जो नाइक्रोम है ये इसमें दोस्तों निकेल जो है दोस्तों 75 से लेकर 78% तक होता है, और क्रोमियम जो है यहाँ पर 20 से लेकर 23% तक होता है, और दोस्तों मैंगनीज यहाँ पर 1.5% होता है, एंड आयरन हीटर एक्ट ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ C4 यानी CH4, यानी दोस्तों जो है मीथेन, ये जो CH4 है दोस्तों ये मीथेन का फॉर्मूला है, तो दोस्तों इसका यहाँ पर मोलिकुलर वेट पूछा गया था, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन है कार्बन का यहाँ पर एटोमिक मास होता है दोस्तों 12, और दोस्तों यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसका यहाँ पर एटॉमिक वेट होता है दोस्तों 1, तो दोस्तों 1 करके ये जो 4 हाइड्रोजन है इसलिए यहाँ पर दोस्तों 4 गुना होगा, जिससे कि इसका टोटल हाइड्रोजन का जो मास हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर 4 होगा, इससे जो है यहाँ पर अगर ऐड करेंगे तो जो है ये मीथेन का यहाँ पर दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट जो है यहाँ पर 16.04 आता है ग्राम पर मोल आता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, हाउ इज द सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड, यानी दोस्तों ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसे किस तरह से प्रोड्यूस किया जाता है, तो
देखिए दोस्तों, ये किया जाता है सॉल्वे मेथड में, इज डन बाय सोडियम। यहाँ पर दोस्तों ये जो है सोडियम क्लोराइड के साथ जो है यहाँ पर अमोनिया को मिलाया जाता है, और दोस्तों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के प्रेजेंट में जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जिसका यहाँ पर फॉर्मूला है दोस्तों NaHCO3, और दोस्तों ये अमोनियम क्लोराइड भी बनाता है। पर दोस्तों ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे हम दोस्तों फिर से काम में लाते हैं, और दोस्तों इससे जो है यहाँ पर दो सोडियम बाइकार्बोनेट से दोस्तों जो है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और दोस्तों पानी और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बनता है। पर दोस्तों ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ हम 10 मॉलिक्यूलर यानी दोस्तों 10 अगर हम पानी को यहाँ पर मिलाएंगे तो दोस्तों ये बनता है इसका दोस्तों जो है सोडियम कार्बोनेट। तो ये इस तरह से दोस्तों जो है ये सोडियम कार्बोनेट को बनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों दिया गया है गैरो कासी एंड जयंती हिल्स बाय आर पार्ट ऑफ व्हिच पार्ट, यानी दोस्तों जो है ये गैरो कासी और जो है यहाँ पर जयंती हिल्स आर पार्ट ऑफ के कौन से जो है यहाँ पर हिल्स का पार्ट है ये आपको पूछा गया है। तो दोस्तों ये पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट का, और जो दोस्तों मेघालय प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी कुछ डिटेल्स दिया गया है, द गैरो खासी एंड दोस्तों जो है जयंतिया आर पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इन इंडिया, ये दोस्तों द पेनिनसुलर प्लेट कॉन्टिन्यूस फैट ईस्टवर्ड फ्रॉम राजमहल हिल्स इंटू नॉर्थ ईस्ट एज द शिलोंग प्लेट एंड द गैप बिटवीन देम इज नोन एज द राजमहल गैप गारो गैप। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ स्पर्म, यानी दोस्तों जो है स्पर्म का जो पाथ होता है वो क्या होता है। तो देखिए दोस्तों ये होता है पहले जो है टेस्टिकल में ये बनता है, फिर दोस्तों ये जो है भास डिफरेंस और फिर सेमी वेसिकल, और नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों यूरेथ्रा के थ्रू जो है ये पानी पेनिस के थ्रू निकल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज दीनबंधु, यानी दोस्तों जो है दीनबंधु इस नाम से जो है किसे जाना जाता था। तो दोस्तों ये जाना जाता था यहाँ पर CF एंड्रयूज को, ये जो दोस्तों जो है इन्हें गांधी जी में जी ने ये नाम दिया था। तो दोस्तों गांधी जी हैड गिवेन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है क्वेश्चन, हुज स्टडी इज कॉल्ड पेडोलॉजी, यानी दोस्तों जो है किसका स्टडी को जो है यहाँ पर पेडोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है यहाँ पर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोयल। तो दोस्तों ये जो सॉयल है यानी दोस्तों मिट्टी का जो स्टडी है, मिट्टी को लेकर उसका जो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट लेके जो है स्टडी होता है उसे दोस्तों यहाँ पर पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ मराठी लैंग्वेज इन इंडिया इन 2022, यानी 2022 में दोस्तों जो है ये मराठी भाषा का यहाँ पर स्थान क्या है इंडिया में। तो दोस्तों ये है दोस्तों थर्ड जो है पोजीशन ये होल्ड करता है मराठी लैंग्वेज, और दोस्तों बता दूं कि हिंदी लैंग्वेज जो है ये हिंदी लैंग्वेज अभी दोस्तों जो है फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पर बिलोंग्स करता है, और दोस्तों जो बंगाली है ये जो लैंग्वेज है ये दोस्तों यहाँ पर दो नंबर में यहाँ पर दोस्तों है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों ये जो मराठी लैंग्वेज है ये थर्ड पोजीशन में है, और दोस्तों ये जो बंगाली लैंग्वेज है इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है 24 अगस्त को शायद सेकेंड शिफ्ट में या फिर दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में आया था, तो ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन फ्रॉम एंड द लॉन्गिट्यूड लाइन बिटवीन टू एंगल, यानी दोस्तों ये जो है एक क्वेश्चन आया था लॉन्गिट्यूड लाइन जो है ये बिटवीन टू एंगल यानी कौन से दो एंगल के बीच आया था, तो वो तो ठीक से बता नहीं पाया कोई, पर दोस्तों इसका जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था वो कुछ इस तरह का था दोस्तों 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हिच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, यानी दोस्तों जो है वायरस की वजह से कौन सा डिजीज होता है। तो दोस्तों इसमें जो है एड्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है देखिए, व्हाट डज ए प्लस बी इक्विलिब्रियम टू ए सी प्लस बी डी रिप्रेजेंट्स, यानी दोस्तों ये जो रिएक्शन है इससे दोस्तों यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों ये रिप्रेजेंट करता है रिवर्सिबल रिएक्शन को। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ मैग्नेट इज सोलिनॉइड, यानी दोस्तों ये जो सोलिनॉइड है ये किस तरह का मैग्नेट होता है। तो दोस्तों ये सोलिनॉइड जो है ये जो है एक कील के ऊपर अगर आप जो है इस तरह से कॉयल को पाक करके अगर आप यहाँ पर करंट फ्लो करेंगे तो वो कील में जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसे दोस्तों जो है यहाँ पर सोलिनॉइड कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है इसीलिए इसका आंसर होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर साइज वाई इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी दोस्तों जो है पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे और दोस्तों जो है बाएं से दाएं जाने पर दोस्तों न्यूक्लियर साइज का यहाँ पर क्या असर होता है, यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इसका आंसर जाने से पहले आप ये देखिए, ये जो है पीरियोडिक टेबल है दोस्तों, यहाँ पर ये जो है ये
ग्रुप इस तरह से दिया जाता है, और दोस्तों पीरियड को इस तरह से दोस्तों जो है ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों बता दूँ, ये जो ग्रुप है यहाँ पर दोस्तों, अगर हम ग्रुप के ऊपर देखेंगे तो दोस्तों ये लेफ्ट से अगर हम राइट के तरफ जाएंगे तो दोस्तों जितना जाएंगे ये एटम का जो साइज़ है ये छोटा होता जाएगा, और दोस्तों ये जो यहाँ पर दोस्तों ऊपर से अगर हम नीचे की तरफ आएंगे तो जो है यहाँ पर इसका जो है साइज़ वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों ये होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, साइज़ विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी दोस्तों जो है टॉप से जो अगर आप बॉटम की तरफ आएंगे तो जो है ये साइज़ इंक्रीज होगा, पर दोस्तों द साइज़ विल डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी दोस्तों अगर आप लेफ्ट से दोस्तों राइट में जाएंगे तो उसमें जो है ये साइज घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों, व्हाई इज़ द एलोट्रोप ऑफ कार्बन ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ग्राफाइट, यानी दोस्तों जो है ये कार्बन का जो एक ग्राफाइट जो रूफ होता है वो जो है यहाँ पर दोस्तों करंट का जो है फ्लो कर सकता है, या फिर दोस्तों जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो है एक अच्छा कॉन्डक्टर होता है। तो दोस्तों ये जो कॉन्डक्टर होता है ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कार्बन जो है इसका यहाँ पर दोस्तों चार बॉन्ड होता है, पर दोस्तों इसमें से जो है ये ग्राफाइट में क्या होता है कि ये तीन बॉन्ड भर जाता है, पर दोस्तों ये जो तीसरे चौथा जो बॉन्ड है ये नहीं भरता, ये दोस्तों यहाँ पर वैकेंट रहता है, जिसके वजह से ये जो वैकेंट बॉन्ड है ना यही यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में आसान मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है, ईच कार्बन ऑफ ग्राफाइट इज कनेक्टेड टू ओनली थ्री कार्बन, यानी दोस्तों ये जो है तीन कार्बन से यहाँ पर कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हेन इज वर्ल्ड यूथ डे सेलिब्रेटेड, यानी दोस्तों जो है वर्ल्ड यूथ डे कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 12 अगस्त को, और दोस्तों बता दूँ कि 12 जनवरी जो है यहाँ पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी दोस्तों जो है कौन सा यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड यहाँ पर यानी उसमें जो है ये इन्वॉल्व नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर मुझे नहीं मिला, इसका जो है ऑप्शन कोई बता नहीं पाया कोई भी स्टूडेंट, तो ये आप अगर आपको याद है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, यानी दोस्तों जो है ह्यूमन बॉडी में एवरेज जो यूरिन है वो कितना होता है। तो दोस्तों वो होता है यहाँ पर 1 to 1.5 लीटर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी दोस्तों जो है यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस ये एक पूछा गया था। तो दोस्तों रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो होगा यहाँ पर R इक्वल टू V बाई I, यानी दोस्तों ये जो रिलेशन है V इक्वल टू IR, इसे ही इस यहाँ पर दोस्तों सजाया गया है, जिससे ये R इक्वल टू दोस्तों V बाई I आया है, यानी दोस्तों जो है ये V यानी दोस्तों वोल्ट है, ये वोल्टेज को दर्शाता है, और दोस्तों ये I यानी दोस्तों तड़ित का जो प्रभाव होता है उसे दर्शाता है। इसका दोस्तों यूनिट है एम्पियर, इसीलिए दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस R है इसका यहाँ पर दोस्तों यूनिट हो जाएगा दोस्तों वोल्ट पर एम्पियर। तो दोस्तों इसी तरह का कुछ क्वेश्चन जो है 25 अगस्त फर्स्ट सेकंड और सेकंड और थर्ड शिफ्ट में आया था। तो दोस्तों ये जो शिफ्ट था ये थर्ड जो शिफ्ट था ये दोस्तों फर्स्ट फेज का जो एग्ज़ाम चल रहा था उसका ये आखिरी शिफ्ट था। और तो दोस्तों नेक्स्ट जो दोस्तों 26 अगस्त से यहाँ पर दोस्तों सेकेंड फेज हमारा शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों उसका भी क्वेश्चन हम देखेंगे किस तरह का दिया जा रहा है। और दोस्तों बता दूँ कि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है एग्जाम एवरीडे, इसे आप सब्सक्राइब कर देना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन छूट जाए तो वो जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और दोस्तों इसे लाइक एंड शेयर भी कर देना और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।